सो प्रॉपर्टीज ऑफ मोबियस फंक्शन, फर्स्ट प्रॉपर्टी, लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन वी हैव टू शो दैट समेशन डी डिवाइड एन म्यू ऑफ डी इक्वल्स टू वन इफ एन इक्वल्स टू वन एंड जीरो इफ एन ग्रेटर देन वन. ओके, तो हमें समेशन डी डिवाइड एन म्यू डी को वन दिखाना है जब एन का वैल्यू वन होगा, और जीरो दिखाना है जब एन का वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा. मतलब कि इसे आप सिंपली ये कह सकते हैं कि हमें समेशन डी डिवाइड एन म्यू ऑफ डी को इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ वन बाई एन दिखाना है, क्योंकि हमें पता है बॉक्स ऑफ वन बाई एन मतलब एन का वैल्यू अगर वन होगा तो इसका वैल्यू वन होगा, और एन का वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन होगा तो यहाँ से वन से कोई बड़ा नंबर नीचे आएगा, सो इसका वैल्यू जीरो पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और बॉक्स ऑफ जीरो पॉइंट समथिंग मतलब जीरो आता है, सो इसे आप बॉक्स ऑफ वन बाई एन भी बोल सकते हैं. सो सॉल्यूशन, वी हैव व्हाट वी हैव, वी हैव एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारे पास एन एक पॉजिटिव इंटीजर है. ओके, नाउ केस वन, लेट एन इक्वल्स टू वन, तो अभी हमने एन को वन मान लिया, देयरफॉर समेशन डी डिवाइड एन म्यू ऑफ डी इक्वल्स टू आएगा म्यू ऑफ वन, और म्यू ऑफ वन क्या होता है, म्यू ऑफ वन इक्वल्स टू वन होता है, हमने ऑलरेडी मोबियस फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ लिया है, सो म्यू ऑफ वन इक्वल्स टू वन. नाउ केस टू, सेकेंड केस, लेट एन ग्रेटर देन वन, अभी एन ग्रेटर देन वन के लिए हम एन को ले लेते हैं पी वन टू द पावर अल्फा वन, पी टू टू द पावर अल्फा टू, डॉट डॉट पी के टू द पावर अल्फा के, जहाँ पर पी वन पी टू डॉट डॉट पी के जो है डिस्टिंक्ट प्राइम्स है. ओके, पी के आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स एंड यहाँ पर जो अल्फा आई है, अल्फा आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, मतलब जहाँ पर आई इक्वल्स टू वन टू थ्री डॉट डॉट के तक है. ओके, देयरफॉर समेशन डी डिवाइड एन म्यू ऑफ डी, अभी ए क्या आएगा, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर म्यू ऑफ वन आएगा, प्लस अभी यहाँ पर डी एन को डिवाइड करता है, सो डी पी वन पी टू पी थ्री डॉट डॉट पी के इन सभी को डिवाइड करेगा, सो पी वन को डिवाइड करेगा, पी टू को डिवाइड करेगा, प्लस डॉट डॉट म्यू पी के को डिवाइड करेगा. अभी अगर हम दो दो प्राइम्स को एक साथ लें तो हम इसे म्यू ऑफ पी वन पी टू प्लस म्यू ऑफ पी टू पी थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस म्यू ऑफ पी के माइनस वन इंटू पी के ये भी लिख सकते हैं, प्लस इसके साथ साथ डी डिवाइड्स एन. अभी अगर हम पी वन पी टू पी थ्री ऐसे तीन तीन टर्म्स ले तो म्यू ऑफ पी वन पी टू पी थ्री, इसके बाद म्यू ऑफ पी टू पी थ्री पी फोर ऐसे चलता रहेगा, प्लस म्यू ऑफ पी के माइनस टू पी के माइनस वन पी के प्लस डॉट 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 प्लस म्यू ऑफ पी वन पी टू डॉट डॉट पी के. समेशन में ये सारे टर्म्स आएंगे. ओके, अभी म्यू ऑफ वन इक्वल्स टू वन होता है, प्लस म्यू ऑफ पी वन प्लस म्यू ऑफ पी टू प्लस डॉट डॉट म्यू ऑफ पी के, इसको हम के सी वन इंटू माइनस वन ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है मोबियस फंक्शन के डिफिनेंस से अगर एन इक्वल्स टू पी वन टाइप का एलिमेंट होगा सो उस केस में माइनस वन टू द पावर वन आता है, सो यहाँ पर माइनस वन आएगा, और यहाँ पर के सी वन टर्म्स है, के सी वन टर्म्स है. ओके, प्लस के सी टू माइनस वन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर पी वन पी टू पी टू पी थ्री पी के माइनस वन पी के इस टाइप के टर्म्स है, सो यहाँ पर के सी टू इंटू माइनस वन स्क्वायर ये आएगा, प्लस डॉट डॉट ऐसे ही के सी के माइनस वन टू द पावर के आएगा. नाउ दैट इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि वन प्लस एक्स टू द पावर के, इसका जो सीरीज होता है वो होता है वन प्लस के सी वन ऑफ एक्स प्लस के सी टू एक्स से स्क्वायर प्लस डॉट डॉट के सी के एक्स टू द पावर के. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वन
माइनस वन टू द पावर के, इसका जो सीरीज होगा दैट विल बिकल्स टू वन प्लस के सी वन इंटू माइनस वन प्लस के सी टू इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस डॉट डॉट के सी के माइनस वन टू द पावर के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वन माइनस वन टू द पावर के, और वन माइनस वन इक्वल टू जीरो होता है, सो दैट विल बी इक्वल टू जीरो।